शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है उस गाड़ी ने टक्कर मारी है। पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस, नंदिनी, नंदू, मेरे बच्चे। कितनी बार समझाया था इसे कि हमें बिना बताए घर से बाहर मत जा। नहीं सुना, नहीं सुना हमारा। जब एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? सर मैं अपने घर जा रहा था, तब तक एक तेज आवाज हुई और देखा तो एक सफेद कलर की गाड़ी रोड पे भागी जा रही थी और फिर ये लड़की धड़ाम से नीचे गिर गई। गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं नंबर नहीं देख सका। अच्छा, गाड़ी किस तरफ गई थी रोड पे? सर इस तरफ। कविता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस रास्ते पे आगे जो दो टोल नाके हैं उनके रात के 9 बजे से लेके 11 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज अरेंज करो। ओके सर। सर, आपसे नंदिनी के बारे में कुछ बात करनी। शर्मा जी, मौका ही वारदात के मुआयने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि आपकी बेटी नंदिनी का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से उसको टक्कर मारी। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपके परिवार की या नंदिनी की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी थी इंस्पेक्टर साहब, उसकी किस्मत ही उसकी दुश्मन थी। मतलब उसे दिमागी दौरे पड़ते थे। मतलब उसका दिमागी तमाज? नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। बेंगलोर के एक इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी तो उसकी बीमारी ने उसे शाम के बाद मैं लखनऊ चली जाऊंगी आलोक,
फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे? बोलो ना, चुप क्यों? नाराज हो? ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करती, देखती हूँ तुम कब तक मुझसे बात नहीं करते। सर ये रोज रात को ऐसे ही बड़बड़ करती, मुझे बहुत डर लगता है। सर अब मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर पाऊंगी। सर ये लड़की पागल हो चुकी है और इसके कारण हॉस्टल की दूसरी लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सर मैं तो कहती हूँ इसके पेरेंट्स को बुलाइए और इसे उनके साथ भेज दीजिए। ठीक है, बताओ ना फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किसी के सामने भी नहीं आते हो, ऐसा क्यों करते हो? बोलो ना आलोक, फिर तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? मुझे तो बहुत याद आएगी तुम्हारी। फिर अब नंदनी को घर ले आ। तो आपने उसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, डॉक्टर आनंद शुक्ला। कौन हो तुम? नंदिनी दुर्गा प्रसाद शर्मा। इस समय कहाँ हो? खंडर के पीछे। कोई और भी है तुम्हारे साथ? आलोक। तुम्हें देख रहा हूँ। नजर लगाने का रहा? नजर तो उन्हें लगती है जो आंखों के सामने होते हैं, तुम तो यहाँ दिल के पास हो। झूठ बोलते हो, जो दिल में जगह देते हैं वो दूर नहीं जाते। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ नंदिनी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सपनों में। सच। अच्छा आलू, तुम लखनऊ कब आए? तुम्हारे साथ ही तो आया। फिर जी, मेरे साथ मेरे पापा आए थे। और मैं तुम्हारे दिल में था, समझी? नंदिनी के ख्यालों में एक आलोक नाम का लड़का आता था और उसने अपने ख्यालों को हकीकत मान लिया था। मतलब? मालती, एक गिलास पानी लाओ। बस पानी पी। अपने सोचा भी नहीं था कि हमारे कलेजे का टुकड़ा यूं अचानक हमें छोड़ के चला जाएगा। संभालो अपने आप को सविता, अब हम ही हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। पुलिस क्यों आई है? हाँ वो कह रहे कि नंदिनी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर हुआ। मर्डर? हमारी नंदिनी का कौन मर्डर कर सकता है? वही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा जी, नंदिनी आलोक को जानती कैसे थी? ये भी एक अजीब किस्सा है इंस्पेक्टर साहब। नंदिनी तब 7 साल की थी। माँ मुझे भी कभी गुड्डा चाहिए, दिलाओ मुझे गुड्डा।
शांत हो जाओ बेटा, कितनी बार कहा है स्कूल जाने के समय नहीं रोते, नहीं तो विद्या देवी नाराज हो जाती है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे अभी क्या गुड्डा थी, नहीं तो मैं आज स्कूल नहीं जाने वाली। नंदनी बेटा तुम अभी स्कूल चले जाओ, फिर हम शाम को मार्केट जाके गुड्डा लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी क्या गुड्डा चाहिए, मुझे शाम को नहीं चाहिए। मुझे बोला भी चाहिए, शाम को जाएंगे मार्केट में लेके आएंगे ना। अभी चाहिए, मैंने कहा ना मुझे अभी चाहिए। आप हमेशा ये बोलते हो लेकिन कभी नहीं लाते, आप हमेशा बोलकर भूल जाते हो। क्या हो गया, क्या हो गया रानी बिटिया? मां मुझे गुड्डा नहीं दे रही है, रोज बोलती फिर कभी नहीं देती है। वेरी बैड, ये ऐसा ही गुड्डा शाम को हम तुम्हारे लिए लेकर। हमें पता ही नहीं चला नंदिनी ख्यालों में आलोक को चाहने लगी और इसी चाहत के साथ वो बड़ी हो गई। हैप्पी बर्थडे आलोक। आलोक मैं तुम्हारे बर्थडे पर जरूर आऊंगी और एक प्यारा सा गिफ्ट भी लाऊंगी। एक रात मैंने देखा नंदिनी फोन पे आलोक से बात कर रही है। आलोक हम कब से जानते हैं एक दूसरे को, डेली बात भी करते हैं, पर जब भी मैं तुमसे मिलने को बोलती हूँ तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते हो। हम कब मिल रहे हैं? किससे बात कर रही हो नंदिनी? आलोक के पापा। ये आलोक का फितूर तुम्हारे दिमाग से जाता क्यों नहीं? कितनी बार तुमसे कहा है कि आलोक कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। ये ख्याल है तुम्हारे दिमाग का, एकदम झूठा ख्याल। कैसी बातें कर रहे हो आप पापा? आलोक है, मैं अभी उसी से बात कर रही थी। इतना इलाज कराया तुम्हारा लेकिन तुम वैसी की वैसी हो, बिल्कुल पहले जैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ा तुम्हें। समझ में नहीं आता कि क्या कर। पापा पापा मैं सच बोल रही हूँ, पापा आलोक है। दिन ब दिन उसकी हालत ऐसी हो गई, एक दिन वो लाल जोड़े में घर आ गई। हमने उससे पूछा तो उसने कहा आलोक से शादी कर ली है। आपने कभी आलोक को ढूंढने की कोशिश नहीं की? हो सकता है नंदिनी सच में उससे बात करती हो जिसे आप लोग उसका फितूर समझ रहे थे। नंदिनी जब शादी करके घर आई तो उसने हमें आलोक का एड्रेस बताया था और हम लोग उस एड्रेस पर गए। आप आलोक के बारे में जो कुछ कह रही सच कह रही, लेकिन वो शादी कैसे कर सकते? क्यों? आप आइए मिल सर। आइए। आलोक एक एक्सीडेंट में दुनिया छोड़कर चला गया। आलोक
तो फिर वो आपकी बेटी के साथ प्यार और शादी कैसे कर सकते? बताइए कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, कोई मरा हुआ इंसान किसी से प्यार या शादी कैसे कर सकता है? और यही बात तो हमारे समझ में नहीं आई। लेकिन नंदिनी के साइकेट्रिस्ट ने बताया कि नंदिनी बचपन से आलोक को हेलुसिनेट करती है और इसी ख्याल से वो बड़ी हुई और उसके साथ साथ उसके दिलो दिमाग में आलोक का ख्याल भी बड़ा हुआ। और हद तो तब हो गई जब इसी 15 तारीख को नंदिनी दौड़ी भागी घर पे आई और उसने हमसे कहा कि उसने आलोक को चिन्हट मार्केट में देखा। आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ चले गए थे? चलो मेरे साथ। अरे कौन हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नंदिनी, मुझे नहीं पहचानते तुम? देखिए कोई गलतफहमी हुई है आपको, मैं किसी नंदिनी को नहीं जानता। देखो आलोक, मजाक मत करो वरना मैं यही रोने लगूंगी। अरे? चलो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाना है तुमको। पागल हो क्या? मैं बोला मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाना है तुम्हें, तुम नहीं मिले उनसे। चलो हम उनसे मिलते हैं ना। क्या आलोक आलोक लगा रखा है? मैं किसी आलोक को नहीं जानता, समझी? अजीब लड़की है, बिना वजह गले पड़ रही है। शादी हुई है आलोक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल है ये आलोक? प्लीज आलोक, आलोक हमारी, आलोक हमारी शादी हुई है। आलोक पर हमें यही लगा कि नंदिनी शायद अब पूरी तरह से पागल हो गई। कल नंदिनी बिना बताए चली गई और ये हादसा हो गया। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बस दुर्गा प्रसाद के मुताबिक आलोक मर चुका है, मगर 5 साल बाद यानी इस महीने की 15 तारीख को नंदिनी ने आलोक को चिन्हट बाजार में देखा है। कविता, दाल में कुछ काला जरूर है। हो सकता है कि आलोक जिंदा हो, मगर किसी वजह से उसके घर वालों ने दुनिया से झूठ बोला होगा। सर, या फिर नंदिनी ने अपने फादर से झूठ बोला और हेलुसिनेशन का नाटक करके अपने पेरेंट्स को धोखे में रखा। शायद सच में उसका कोई अफेयर हो। हो सकता है, हो सकता है कि दुर्गा प्रसाद को अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चल गया, उसने अपनी बेटी को मार डाला और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। You mean honor killing? शायद। कविता, ये नंदिनी का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला, ये डॉक्टर हमारी मदद कर सकता है। इंसान का दिमाग जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो वो उसकी एक काल्पनिक छवि बना लेता है, एक इमेजिनरी इमेज। और ऐसा इंसान अपनी उस विजुलाइजेशन को, उस कल्पना को हकीकत मान के उसी के साथ जीने लगता है। मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को हलुसिनेशन कहते हैं और नंदिनी आलोक को हलुसिनेट ही करती है। थैंक यू डॉक्टर। अगर आलोक नंदिनी का हेलुसिनेशन है तो फिर वो मार्केट में किससे मिली? सर, वो भी उसका हेलुसिनेशन ही होगा। लेकिन मार्केट में तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा, नंदिनी अकेली तो इतना बड़ा तमाशा नहीं कर सकती। चिनेट मार्केट में पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और हाँ, 15 तारीख की सारी CCTV फुटेज भी कलेक्ट करो। ओके सर।
नंदिनी के मुताबिक ये आलोक है और आलोक के घर वाले कहते हैं कि ये मर चुका है, तो फिर नंदिनी ये किस आलोक से मिली? कविता, इस लड़के का स्नैपशॉट लेके सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अब तो आलोक के घर वाले ही बताएंगे कि आलोक है कहां। सर, आपके मुताबिक आलोक 5 साल पहले मर चुका है, लेकिन इस तस्वीर के मुताबिक इस महीने की 15 तारीख को शाम 4 बजे आलोक चिन्हित मार्केट में मौजूद था। मार्केट में नंदिनी से भी मुलाकात हुई थी। कैसे पहुंचा आलोक यहां पर? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। 17 जनवरी 2010 को मेरे इन बेरहम हाथों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आलोक नहीं रहा, आलोक नहीं है, ये कोई बेरूपी है। इसका मतलब है कि आलोक की शक्ल का कोई दूसरा आदमी भी है लखनऊ में जिसे नंदिनी मिलती थी। ये सिर्फ हेलुसिनेशन का मामला नहीं हो सकता। सर, नंदिनी ने अपने पेरेंट्स को अच्छा बेवकूफ बनाया था, इसीलिए तो नंदिनी के घर वाले भी हैं शक के घेरे में, क्योंकि झूठी शान के चक्कर में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सर, मैंने आलोक की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, पर अभी तक कहीं से कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। हेलो, ठीक है, हम पहुंचते हैं। साल हो गए, आज तक पुलिस की वर्दी को इतना करीब से कभी नहीं देखा। कभी कभी जरा देर हो जाती है, मगर कर्मों का फल मिलता जरूर है। इसे पहचानते हैं आप? बिल्कुल, ये मेरा बेटा है। पर बात क्या है, कहां है ये? अभी तो घर से बाहर गया हुआ है। ये बताइए तो सही, बात क्या है, क्या हुआ है? इस फोटो में जो लड़की आपके बेटे के साथ दिख रही है, उसका मर्डर हो चुका है। वो आपके बेटे आलोक से प्यार करती थी। आलोक? सर, ये आलोक नहीं, ये मेरा बेटा अभिमन्यु है। नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। मैं सिर्फ अभिमन्यु हूं। क्या मजाक है, एक कहता है कि मेरा बेटा है और एक कहता है कि मेरा बाप नहीं। कविता, क्या हम लोग? नहीं सर, हम पुलिस हैं। सही कह रहा है ये, मैं इसका बाप नहीं हूं। जवानी में मैंने गुनाह किया था बाप बनने के लिए। कैसा गुनाह? मैं एक डॉक्टर हूं, हमें कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी संतान के लिए हमेशा परेशान रहती थी। अब कहाँ है आपकी पत्नी? She just expired 7 years back. और उसके बाद? 24 साल पहले मेरी क्लिनिक में मिस्टर सत्यन अपनी मिसेज की डिलीवरी के लिए आए थे। उनका सिजेरियन केस था, उनको जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। नर्स की मदद से
एक बच्चा गायब करवा दिया था और सत्यन को कह दिया कि दूसरा बच्चा मरा हुआ था। अभिमन्यु वही बच्चा है। अपनी आखिरी सांस लेते समय इनकी वाइफ ने, जिन्हें मैं मां कहता था, इनका सारा पाप मुझे बता दी। तभी से अभिमन्यु उसे कोई रिश्ता नहीं रखता। रिश्ता है लेकिन सिर्फ इंसानियत का। भले ही इन्होंने मुझे पाल पोस का बड़ा क्यों ना किया हो, लेकिन एक बच्चा चोर कभी मेरा बाप नहीं हो सकता। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने नंदिनी को क्यों मारा? कौन नंदिनी? इस महीने की 15 तारीख को शाम 4 बजे जिसे तुम चन्हित मार्केट में मिले थे। कौन वो पागल? माइंड योर लैंग्वेज, नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। सॉरी सर। सर वो मुझे बहुत परेशान करती थी, हमेशा मुझे आलोक समझती थी वो, और बहुत मुश्किल से मैं उसे पीछे छुड़ा पाता था। अभी संडे की रात को ही वो मुझे मिली। और उसी रात तुमने उसे मार दिया। सर मैं क्यों मारूंगा उसे, वो तो खुद अपने जान के दुश्मन बनी बैठी थी। मुझे फोन करके उसने बोला कि अभी मिलो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कितना उसे समझाया लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कर ली होगी सुसाइड। अब सुसाइड नहीं किया उसने, मर्डर हुआ है उसका और तुमने मारा है उसे। देखिए मैडम, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, पहले आप सबूत लेके आइए उसके बाद इल्जाम लगाइएगा। ठीक है, बहुत जल्द सबूतों के साथ मिलेगा। किसने मारा होगा नंदिनी? कुछ समझ नहीं आया। कविता, समझ में नहीं आ रहा है कौन जिंदा है कौन मर गया है, अभिमन्यु अभिमन्यु है या आलोक? ये सच बोल रहा है या फिर नंदिनी झूठी थी? किसने मारा होगा उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, ये फाइल रख दो। सर ये पेपर, इस पे कोई व्हीकल नंबर लिखा है। लेकिन ये पेपर इस फाइल में कैसे है? इस फाइल में तो कोई न्यूज़पेपर था ही नहीं। सर नंदिनी का एक्सीडेंट भी कार से हुआ था और उस कार का नंबर हमारे पास नहीं है। अजीब पहेली, जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा, तो जो मिला है उसका पता। एनीवे, तुम आरटीओ से इस व्हीकल की डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। क्यों मारा नंदिनी को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कौन नंदिनी? मैं किसी नंदिनी को नहीं जानती। कौन है ये?
दिन इतवार, टाइम 10 से 10:30 के बीच, जगह चिनेट मार्केट, तारीख 15 अप्रैल 2015। कार का नंबर UP XZ9314। ये कार एक लड़की को टक्कर मारती है और फरार हो जाती है। कार नेहा राजदान के नाम पे रजिस्टर्ड है। घर का पता है हाउस नंबर 202, जवाहर नगर, चार बाग, लखनऊ। और कुछ डिटेल भी जानना है आपको? कोई मेरी गाड़ी का नंबर और घर का एड्रेस दे देता है तो इसका मतलब क्या गुनहगार मैं हूँ? और बाय द वे, 15 अप्रैल की मॉर्निंग को मैं किसी पार्टी के लिए नैनीताल के लिए निकल गई थी, मैं यहाँ थी ही नहीं। क्या सबूत है? कोई सबूत साथ लेके घूमता है क्या? दिन गया याद गई, रात गई बात गई। इतना तो याद होगा कि कार लेकर गई थी नैनीताल या चाबी किसी को देकर गई थी? कार लेकर गई थी। ये तुम्हारी कार डिटेल्स है जो संडे की रात हमें टोल बूथ के पास से मिली, चनेट से चारबाग वाले रास्ते में। इतना ही नहीं, आई विटनेस ने पुलिस को बताया है कि जिस कार ने नंदिनी को टक्कर मारी वो सफेद रंग की। तुम्हारी कुंडली निकाल ली है हमने, क्योंकि नंदिनी तुम्हारे और अभिमन्यु के प्यार के बीच में आ गई थी, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये सच नहीं। यही सच है, तुमने ही नंदिनी को मारा है। मैंने नंदिनी को नहीं मारा। मैं तुमने ही मारा है नंदिनी को। मैंने नंदिनी को नहीं मारा, मेरी क्या दुश्मनी है उससे? नेहा अकेली गुनहगार नहीं है, मैं भी इसके साथ इस गुनाह में शामिल था। अंकल आप यहां तक अकेले कैसे आ गए? मैं अकेला कहां हूं? अरे मुझे अभिमन्यु लेके आया है ना, ये देखो अभिमन्यु। अरे अभिमन्यु, अंकल कहाँ है अभिमन्यु? वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने घर पर मुझसे सब सच उगलवाया कि मेरी वजह से ही नेहा ने नंदिनी को मारा है। झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर श्रीधर, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपने ही नंदिनी को मरवाया है और ये सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बताइए क्यों मरवाया आपने नंदिनी को? हाँ, मैंने उसे नेहा के हाथों मरवाया है। मैं तुम्हारे और नेहा के बीच में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नेहा मेरे मरहूम दोस्त जगदीश की बेटी है। मैंने जगदीश को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी और नेहा की शादी करवाऊंगा, मगर जब मैंने देखा कि तुम्हारे और नेहा के बीच में नंदिनी आ रही है, मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैंने मेरे दोस्त को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जब नेहा ने मुझे बताया कि नंदिनी तुमसे मिलने आ रही है, मैंने अपना आपा खो दिया। आलोक प्लीज मुझे अब सताना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार नंदिनी देखो तुम मुझे पागल बना दोगे, समझी? ना मैं कोई आलोक हूं और ना ही तुम्हारा हस्बैंड, मैं अभिमन्यु हूं, अभिमन्यु, और मैं सिर्फ नेहा से प्यार करता हूं, समझी? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। आलोक प्लीज, आलोक प्लीज, आलोक। नेहा वो लड़की जा रही है, अपनी गाड़ी से टक्कर मारेंगे, उस लड़की को उड़ा दो। मत सोचो, ये सोचने का वक्त नहीं है, वरना तुम्हारे अभिमन्यु को तुमसे छीन के ले जाएगी। उड़ाओ नेहा, उड़ाओ उसको, टक्कर मारो, खत्म कर दो। मत सोचो नेहा, मत सोचो, करो जल्दी, देखो जा रही हो। नेहा नेहा, मत समझो, मत कुछ भी मत सोचो, उड़ाओ उड़ाओ उसको, टक्कर मारो।